दोस्तों, क्या आपके बाल भी झड़ रहे हैं? क्या आपके बाल भी पतले हो रहे हैं? या फिर आपके बालों में बहुत ज्यादा डैंड्रफ होने के चलते आपके बाल झड़ रहे हैं? या फिर आपके बाल अगर झड़ चुके हैं तो बालों को वापस कैसे लाएं? दोस्तों, पहले ये समझते हैं कि बाल हमारे झड़ते क्यों हैं, क्यों हमारा सर गंजा होने लगता है समय के साथ, उम्र के साथ, और बालों का एक्चुअल रीजन क्या है झड़ने का, पहले इसको समझते हैं। दोस्तों, बहुत सारे रीजन होते हैं बालों के झड़ने से। अगर हम सही तरीके से सावधानी ना बरते तो हमारे बाल समय से पहले बहुत जल्दी झड़ने लग जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं पहला रीजन क्यों हमारे बाल झड़ते हैं। सबसे पहला रीजन ये होता है, हमारे बाल अगर साफ ना हो, मतलब अगर हमारे बालों में डैंड्रफ हो, अगर हम बालों को हफ्ते में 2-3 बार ना धोएं, तो हमारे बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, हमारे बाल पतले हो जाते हैं, हमारे बाल लंबे नहीं हो पाते। कई लड़कियों की ये प्रॉब्लम आती है कि उनके बाल लंबे नहीं हो पाते। वो ये रेमेडी चाहती हैं कि उनके बाल जल्दी से बड़े हों, लंबे हों, ताकि उनके बालों में ग्रोथ हो अच्छी और उनके बाल ना झड़ें। क्योंकि अगर आप 5-6 बार कंघी मारते हैं तो आपके बाल, आपके हाथ में 100 से भी ज़्यादा बाल आ जाते हैं। तो दोस्तों, प्रॉब्लम यही होती है, सबसे पहला कि हमारा सर गंदा रहता है, बहुत गंदा रहता है। हमें अपने सर को हफ्ते में 1 से 2 बार धोना चाहिए। दोस्तों, दूसरे रीजन की बात करें तो दूसरा रीजन आता है कि हम तेल नहीं लगाते। बालों की जड़ों में अगर हमारे तेल नहीं होगा, और कौन सा तेल वो मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताऊंगा कौन सा तेल आपको लगाना चाहिए जिससे, जिसकी वजह से आपके बाल जड़ वाले हों, अच्छी जड़ पकड़ें आपके बाल। दोस्तों, उसका रीजन ये होता है कि आपके जो बाल होते हैं उसमें विटामिन ए, डी और ई की कमी होती है, जिसकी वजह से आपके बाल झड़ते हैं। दोस्तों, कभी कभार हमारे बालों को वो विटामिन नहीं मिल पाते क्योंकि कई खाना हम खाते नहीं हैं, कई हरी सब्जियां, कुछ ऐसे प्रोटीन्स हमारे को अपने खाने से नहीं मिल पाते हैं। इस वजह से हमारे बालों में जो हार्मोनल डेफिशिएंसी होती है, जिसको आप बोल सकते हैं आपके जो हार्मोन्स होते हैं, उसकी कमी के कारण आपके बाल झड़ते हैं। तो दोस्तों, ये आपके बाल ना झड़ें उसके लिए मैं एक रामबाण इलाज लाया हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको प्याज का रस लेना है। एक कटोरी में आप एक प्याज का रस लीजिए, उसमें आप नारियल का तेल डालिए। दोस्तों, नारियल का तेल आपके लिए बहुत अच्छा होता है, आपकी जड़ों के लिए बहुत अच्छा होता है, आपकी जड़ों को बहुत अच्छे से बनाए रखता है। और प्याज का रस का महत्व ये होता है दोस्तों, प्याज आपके सर में डैंड्रफ कभी नहीं होने देता, आपके बालों की जड़ को मजबूत बनाता है। और जो विटामिन्स आपको खाने से प्राप्त नहीं हो पाते हैं, कुछ ऐसे विटामिन्स मैंने आपको बताया था ना, ए डी ई, तो ये विटामिन्स आपके बालों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। तो क्या करें जिससे हमारे को अद्भुत पोषण मिले, जिससे हमारे को अद्भुत फायदा मिले? तो यही चीज है कि आप प्याज के रस में नारियल का तेल डालिए और उसमें थोड़ा सा एलोवेरा डालिए। दोस्तों, एलोवेरा हम क्यों डालते हैं? क्योंकि एलोवेरा आपके बालों को एक शाइनी लुक देता है, शाइनी लुक देता है, आपके बाल चमकीले होते हैं, घने होते हैं। वो घने होने का कारण एलोवेरा के अंदर जो जेल होता है वो आपको अद्भुत प्रोटीन्स से भरा हुआ होता है, वो आपको अद्भुत प्रोटीन प्रोवाइड करता है, जिसके चलते आपके बाल झड़ने कम हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्याज के रस को, एक कटोरी में प्याज का रस लीजिए, उसको उसके अंदर आप नारियल का तेल डालिए। नारियल का तेल कितना डालना है वो मैं आपको बताता हूँ। आप अगर एक कटोरी प्याज का रस लेते हैं, उसमें आपको कम से कम 3 से 4 चम्मच, छोटे छोटे चम्मच, 3 से 4 छोटे चम्मच आपको नारियल का तेल डालना है। उसके बाद आपको एक छोटे से एलोवेरा की डंडी लेनी है, उसमें जो जेल होता है उस जेल को निकाल के आपको उस रस में डालना है, प्याज के रस और नारियल में, नारियल के तेल में आपको डालना है और फिर उसको फेंटना है। दोस्तों, उसको आप लगातार फेंटते रहिए जब तक वो वाइट कलर का ना हो जाए।
प्याज का रस जब तक व्हाइट कलर का ना हो जाए तब तक आप उसको फेंटते रहिए। दोस्तों इस मिश्रण को अगर आप अपने बालों में लगाएंगे आपको वो सारे विटामिन्स जिसकी कमी होती है, जिस जो आपको अद्भुत तरीके से आपको खाने में नहीं मिल पाता, आपकी पूर्ति उसमें हो जाएगी। दोस्तों ये माना जाता है कि प्याज के रस, नारियल का तेल और एलोवेरा में ऐसे गुण होते हैं जो आपके बाल आपको वापस दिलवा सकते हैं। कईयों के बाल मैं देखता हूँ कि झड़ जाते हैं, पूरे तरीके से आ नहीं पाते, तो वो बहुत सारे ऐसे दवाइयाँ खाते हैं जिसके चलते उनके जो शरीर के अन्य भाग के बाल होते हैं वो भी झड़ जाते हैं। तो दोस्तों आपको किसी डॉक्टर के पास, कहीं किसी आयुर्वेद के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको ये तीन चीज़ें डालनी हैं जो आपके घरों में आपके पास मिल जाएगी। एलोवेरा का पौधा आप लगा लीजिए, अपने माली को बोलिए लगा देगा वो आपके, और प्याज का रस और नारियल का तेल तो आपको कहीं से भी मिल जाएगा, आप सबके घर में होता है। दोस्तों ये तीन चीज़ें अगर आप लगाएंगे आप पाएंगे अपने बालों में मजबूती। आपको किसी भी डॉक्टर के पास, स्किन डॉक्टर हो या फिर बालों वाला डॉक्टर हो, आपको आपके जो जितने भी पैचेज होते हैं, पैचेज मैं देखता हूँ कई लोगों के बालों में हो जाते हैं, कई लोगों की दाढ़ियों में भी हो जाते हैं, तो आप ये दाढ़ी पे भी लगा सकते हैं। दोस्तों इस मिश्रण को अगर आप आधे घंटे तक लगाते हैं अपने बालों में और उसके बाद अपने बाल धोते हैं तो दोस्तों आप पाएंगे आपके बालों में कोई डैंड्रफ नहीं होगा। और आपको सबसे ज़रूरी बात, जब बाल धोने हैं आपको आपको गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि गर्म पानी से आपके बाल सॉफ्ट होते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि गर्म पानी अगर आप डालते हैं तो आपके बालों में डैंड्रफ होता है और आपके बाल कमज़ोर हो जाते हैं, ये असली कारण है। दोस्तों अपने बालों में गुनगुना पानी ले लो आप, गर्म पानी मत लेना बिल्कुल, गुनगुना पानी ले लो, थोड़ा ठंडा थोड़ा गर्म वो चलेगा, लेकिन बिल्कुल गर्म पानी आप अपने बालों में ना लगाइए, वो मेजर कारण है आपके बालों बाल झड़ने का। तो दोस्तों आप ये मिश्रण लगाने के बाद अपने बाल धोइए, दोस्तों आप पाएंगे कि आपके बाल झड़ने हफ्ते भर में कम हो जाएंगे और आपके बाल शाइनिंग हो जाएंगे और आपका जो डैंड्रफ होगा वो भी कम हो जाएगा धीरे धीरे, अगर आप इसका रेगुलर इस्तेमाल करेंगे, रोज़ लगाएंगे। नहाने से पहले आप लगा सकते हैं, आधे घंटे के लिए छोड़ देना है इसको, अच्छे से इसकी मसाज करिए, इस तेल की, इस प्याज के रस की और इस एलोवेरा की। तो आप जो आप मिश्रण बनाएंगे ना दोस्तों, हो सके तो उसको ताज़ा बनाइए, दिन में आप लगाइए उसको, या फिर आप अगर छोटी सी शीशी भर लेते हैं तो वो आप लगा लो, प्याज का रस, एलोवेरा और जो आपका नारियल का तेल है वो आपका 3 दिन तक चल जाएगा, 3 से 4 दिन तक चल जाएगा, उसके बाद उसको मत लगाइए, बासी मत लगाइएगा, ताज़ा बनाइएगा उसको लगाइएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे हो और अगर आपको नए नए फैक्ट्स के बारे में जानना है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए और नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए आपको कौन से और नुस्खों के बारे में जानना है और कौन से इलाज आपको चाहिए। मेरा साथ देने के लिए आपका धन्यवाद।